खान और नौलिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रभु कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी। कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन है। मानुष हो तो वही रस खानी बसऊ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरऊ नित नंद की धेनु मझारत। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्रा पुरंदर धारत। जौ खग हो तो बसेरो करो मिलिकालिंदी कूल कदम्ब की डारन। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुरपूत तजिदार। आठम सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रस खान कबो इन आत्म सो ब्रज के तन पाक तड़ाक निहारो। पोट के एक अलधौत के धाम करे से कुंजल ऊपर वारो। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो गुंज की माल करे पहीरों की। ओ ही पितंबर ले लटुटे बन गोद खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरा ना धरोंगी। कानने दे अंगूरी रही वो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजे हैं। मोहने तानन सो रस खानी अटा चढ़े गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहो सिकरे ब्रज लोगिनी काल ही को कितनो समझे हैं। मायरी बा मुख की मुस्कानी संहारी न जय है न जय है न जय है। कविता व्याख्या। इन पंक्तियों द्वारा रस खान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिले। अगर पशु योनि प्राप्त हो तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद के गायों के साथ विचरण कर सके। अगर पत्थर भी बन जाए तो भी उस पर्वत का जिसे हरि ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम की डालों में बसेरा डाले। वे हर हाल में श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। यहाँ रस खान कह रहे हैं कि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोगों का राज त्यागना पड़ा तो भी वे त्याग देंगे। वे इसके लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार है। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के सौ महल निछावर करने को तैयार है। इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण का प्रेम पाने की इच्छा और कोशिश का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके लिए वे सारे स्वांग करने को तैयार हैं। गोपियां कहती हैं कि वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूंगी, गूंजों की माला पहनूंगी, पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के संग वन में भ्रमण करेंगी। किंतु वे मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। इन पंक्तियों में गोपियां कृष्ण को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजेगी तो हो सकता है कि धुन में मग्न होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियां अपने अपने कानों में उंगली डालेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत ना सुनाई पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है कि जब कृष्ण की मुरली बजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाली नहीं समझेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में कितनी डूबी है। तो बच्चों, आज हमने देखा